जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो फिर उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे कि हम मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब वो चार्ज पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा और उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा तो फिर उसके मोशन का पाथ कैसा होगा ये हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि यहां पर ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये इस स्क्रीन पर जो है परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन देखें तो ये नॉर्मली आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, आपकी तरफ जो है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अब यहां पर हमने ये मान लिया कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये एक चार्ज है, ये हो गया एक चार्ज प्लस क्यू और ये अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में यहां पर है और इसका जो वेलासिटी है वो वेलासिटी यहां पर इस डायरेक्शन में है। सो यहां पर ये हो गया वेलासिटी का डायरेक्शन। तो चूंकि यहां पर ये मोशन में है जिसका स्पीड वी है तो फिर इस पर यहां पर एक फोर्स अप्लाई होगा। वो जो फोर्स अप्लाई होगा इस पर उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहां पर ये जो फोर्स अप्लाई होगा अगर आप वेक्टर नोटेशन में देखें ना तो ये जो फोर्स अप्लाई होगा ये बराबर होगा ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इनटू यहां पर ये जो वेलोसिटी है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर यहां पर हमें रिजल्टेंट वेक्टर एफ मिल रहा है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर एफ होगा वो यहां पर वेलोसिटी पर भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से हम कह देंगे कि ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर है, दैट मीन ये जो फोर्स होगा ये वेलोसिटी वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब यहां पर ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन अगर आप देखें तो वो यहां पर जो है कुछ यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। वैसे भी आप यहां पर जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके देख लें आपको फोर्स का जो डायरेक्शन मिलेगा वो यही मिलने वाला है। तो ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। अब जब इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा तो यहां पर अब ये सीधा मूव नहीं करेगा, अब ये ऐसे नहीं मूव कर सकता है, ये जो है ये थोड़ा सा यहां पर मुड़ेगा कुछ यहां पर, ये जो है ये चार्ज पार्टिकल जो है यहां पर ये कुछ ऐसे मुड़ता है। तो हमने मान लिया कि यहां पर ये जो पार्टिकल है ये कुछ देर बाद जो है यहां पर पहुंच गया, यहां पर इस जगह पर पहुंच गया और इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो अब यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा वेलोसिटी वेक्टर। सो यहां पर ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर वी। अब अगर आप देखें तो जो फोर्स अप्लाई होगा अब यहां पर जो है कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, कुछ ऐसे अप्लाई होगा क्योंकि इसे जो है हमेशा इस वेलोसिटी वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो फोर्स वेक्टर यहां पर जो है ये हो गया। तो जब ये कुछ देर बाद और आगे कुछ ऐसे यहां पर बढ़ेगा तो फिर जब यहां कहीं होगा चार्ज पार्टिकल तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ये होगा तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा क्योंकि हमेशा जो है फोर्स को वेलोसिटी के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो जब ऐसा होगा तो इसका जो मोशन होगा वो एक सर्कुलर मोशन होगा यहां पर कुछ ऐसे। तो चार्ज पार्टिकल जो है यहां पर ये एक सर्कल में मूव करेगा, ये एक सर्कुलर पाथ में जो है इसका मोशन होगा। तो अब यहां पर हम आगे ये देखेंगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका रेडियस क्या है। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये हो गया इसका सेंटर और इसका जो रेडियस होगा, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर इसका ये जो रेडियस होगा ये रेडियस है आर, ये रेडियस आर कितना होगा ये हम पता करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी पता करेंगे कि यहां पर इसका टाइम पीरियड क्या होगा क्योंकि ये एक सर्कल में घूम रहा है तो इसका एक टाइम पीरियड भी होगा तो वो भी हम पता करेंगे। और जब हम टाइम पीरियड पता कर लेंगे तो हम उसी से आगे इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो भी पता कर लेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम ये जो रेडियस है इसे पता करते हैं। तो यहां पर देखें इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसे कि हम मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। अगर इसके मैग्नीट्यूड को देखें तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इनटू यहां पर ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो
इनटू यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो। तो यहां पर देखिए हर जगह पर जो है इनके बीच का ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। सो यहां पर हम लिखेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री, और हमें पता है कि साइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू 1, तो यहां पर हम 1 को मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब देखिए आप, जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कुछ ऐसे मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूमता है तो हमेशा उस ऑब्जेक्ट पर जो है सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट करता है जिसे कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये बराबर होता है ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो, चलिए मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मास है ये है m, इनटू यहां पर इसका जो स्पीड होता है जिस स्पीड के साथ ये घूम रहा होता है उसका स्क्वायर। तो यहां पर ये जो स्पीड है इसे मान लेते हैं कि ये है v, तो यहां पर होगा v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जिस सर्कुलर पाथ में ये घूमता है उसका रेडियस। तो यहां पर ये जो रेडियस है, चलिए मान लेते हैं कि ये जो रेडियस है ये रेडियस है r, तो यहां पर ये होगा, यहां पर ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय r के। तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए अगर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो मैं एक वीडियो जो है यहाँ सजेस्टेड वीडियो जो मैं डाल दे रहा हूँ आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं और जो आपका फंडामेंटल है वो क्लियर आउट हो जाएगा। अब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये तो एक सर्कुलर पाथ में कुछ ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब कि हमेशा इस पर जो है सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा जिसे कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। वो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यही प्रोवाइड कर रहा है, यही मैग्नेटिक फोर्स तो इसे जो है सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इस सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए वो यही मैग्नेटिक फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि यहां पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो होगा क्यू वी बी ये बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको एम दिख रहा है ये चार्ज पार्टिकल का जो है मास है, तो यहां पर इस चार्ज का जो मास है ये यहां पर एम है। तो अब आप देखें यहां पर ये जो भी है ये एक भी को यहां पर कैंसिल कर देगा, तो इससे आगे हमें देखे क्या मिलता है, यही हो जाएगा क्यू इंटू बी इंटू आर, हमने आर को जो है इस साइड भेज दिया, इक्वल टू एम इंटू यहां पर ये जो भी है ये। सो यहां से कह सकते हैं कि जो आर होगा ये बराबर होगा एम इंटू भी डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो चार्ज है वो और यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो। तो फिर यहां पर हमने जो है इसका जो रेडियस है वो पता कर लिया है। अब यहीं से हम आगे बढ़ जाएंगे और अब हम ये देख लेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड मीन्स एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा वही होगा टाइम पीरियड। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो टाइम पीरियड होगा चलिए टाइम पीरियड को हम कैपिटल लेटर टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड होगा ये बराबर होगा जब ये एक चक्कर लगाएगा तो उस एक चक्कर में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऑब्वियसली इस सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा और हमें पता है कि एक सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है ये होता है 2π इंटू इसका ये जो रेडियस होता है वो डिवाइडेड बाय जिस स्पीड से ये इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा वो। तो यहां पर वो स्पीड क्या है, वो स्पीड यहां पर देख ले ये वी है। यहां मैं आपको बता दूं कि भले ही इस पर हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है दैट मीन जो स्पीड है वो चेंज नहीं होता है। यहां पर जितना स्पीड है यहां पर भी उतना ही रहेगा, यहां पर रहेगा तब भी स्पीड वही रहेगा, यहां पर रहेगा तब भी स्पीड वही रहेगा, चाहे जहां ये चार्ज पार्टिकल रहे स्पीड हमेशा सेम ही रहेगा। तो यहां पर स्पीड कांस्टेंट होगा तो यहां पर लिख देते हैं वी। अब देखिए आप यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि 2π
और फिर यहां पर डिवाइडेड बाय फी इनटू ये आर, आर तो हमें पता हो गया है ये होगा आर के बराबर, तो इसको यहां पर पुट कर देते हैं, तो एम इंटू वी डिवाइडेड बाय यहां पर होगा क्यू इंटू बी के। तो अब देखिए यहां पर ये जो वी है ये एक वी को कैंसिल कर देगा, तो इससे आगे यहां पर ये जो टाइम पीरियड होगा, यहां पर ये जो टाइम पीरियड होगा ये बराबर हो जाएगा टू पाई, टू पाई इंटू यहां पर ये जो इसका मास होगा डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इसका चार्ज, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इंटू यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड वो। तो यहां पर ये हमने जो है टाइम पीरियड को भी पता कर लिया है। अब यहीं से हम आगे बढ़ जाएंगे और हम फ्रीक्वेंसी को भी पता कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी में एक सेकंड में ये जितना चक्कर लगाएगा ये चार्ज पार्टिकल वही होगा फ्रीक्वेंसी, जो कि होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होगा, चलिए फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल लेटर एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बराबर होगा वन ओवर यहां पर ये जो टाइम पीरियड होगा वो। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी होगा ये बराबर होगा वन ओवर टाइम पीरियड, क्या है टाइम पीरियड यहां पर कुछ इसके बराबर है, तो यहां पर इसको पुट करते हैं, तो यहां पर ये हो गया वन ओवर टू पाई, टू पाई एम डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो क्यू इंटू बी है ये। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी होगा इसका, ये जो फ्रीक्वेंसी होगा इसका ये बराबर हो जाएगा क्यू बी, ये ऊपर चला जाएगा, सो यहां से ये हो गया Q इंटू बी डिवाइडेड बाय यहां पर होगा 2 पाई एम के। तो यहां पर ये हो गया इसका फ्रीक्वेंसी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में जो है साइक्लोट्रॉन पर बात करेंगे, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।